देखने वाले सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। बेसिकली सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ अ सेट आप कैसे निकालते हो, देखो जैसे ए डेल्टा बी, ठीक है, कहीं पे अगर एक सेट का और दूसरे सेट का नाम दे रखा है, बीच में डेल्टा दे रखा है, तो समझ जाओ वो सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ अ सेट पूछ रहा है आपसे। डिफरेंस ऑफ अ सेट का क्या मतलब होता है कि आपने जैसे ए माइनस बी लिखा है तो ए के सारे होने चाहिए, बी के एलिमेंट्स आप हटा दो। इसका मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी होना चाहिए, बी माइनस ए होना चाहिए, जब ये दोनों चीजें आ जाए तो उनका यूनियन कर दो। जैसे आपके पास कोई एक ए सेट है 1, 2, 3, 4 और कोई बी सेट है 2, 5, 6। अब देखो पहले ए माइनस बी निकालते, देखो ए माइनस बी क्या आएगा, ए के सारे बी वाले हटा दो तो 2 हटा देंगे, तो 1, 2, 3, 4 ये एक सेट आ गया। अब बी माइनस ए करेंगे तो बी के सारे ए वाले नहीं, तो 2 हटा दिया, ये क्या हो गया 5, 6। अब इनका यूनियन करा दो तो 1, 3, 4, 5 और 6 ये क्या हो गया सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ ए डेल्टा बी। तो जहां पे भी डेल्टा साइन मिल जाए वहां समझ जाओ कि सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ अ सेट बोल रहा है। कोई एक ए सेट है, कोई एक बी सेट दे रखा है, ए डेल्टा बी कह रखा है, तो सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ अ सेट कह रहा है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।